नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एनकाउंटर के बारे में। दोस्तों, एनकाउंटर जो है, वैसे तो इस शब्द का हमारे कानून में कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी कि इस शब्द के लिए कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है। दोस्तों, एनकाउंटर जो है, इसका हिंदी मीनिंग होता है मुठभेड़। दोस्तों, एनकाउंटर जो है, पुलिस बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में अभियुक्त को पकड़ने के लिए करती है। वैसे अभियुक्त को पकड़ने के लिए सिर्फ ये एनकाउंटर किया जा सकता है, लेकिन मुठभेड़ में उसको मारने के लिए कभी भी कानून इजाजत नहीं देता। यानी कि कानून में इस चीज़ की कभी भी इजाज़त नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को मुठभेड़ में मार गिराया जाए। दोस्तों, वैसे 46 CRPC जो है वो अरेस्ट के बारे में प्रावधान करती है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो मृत्यु से दंड से कारित हो या फिर जो है लाइफ इंप्रिजनमेंट से कारित हो या इस तरह का कोई अपराध कर चुका हो और उस तरह के व्यक्ति को अगर पकड़ने जा रही है और वो व्यक्ति भागता है तो पुलिस बल प्रयोग कर सकती है। लेकिन दोस्तों, उसमें भी इस बात का प्रावधान किया गया है कि जहां तक कोशिश हो सके उस व्यक्ति को जिंदा ही पकड़ा जाए, यानी कि ना मारा जाए। इसलिए किसी भी कीमत पर एनकाउंटर को जस्टिफाइड हमारे कानून में नहीं किया गया। वैसे भी 2014 में जस्टिस लोढ़ा और जस्टिस नारीमन ने इस बात की गाइडलाइन जारी की थी कि कोई भी व्यक्ति जो है एनकाउंटर में नहीं मारा जाए, और उसके लिए पुलिस के लिए कुछ निर्देश दिए गए थे। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 141 में पावर है कि वो कानून जो है बना सके और उसके ऊपर अमल करवा सके। इसी के तहत दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो है एनकाउंटर के ऊपर में कुछ गाइडलाइन जारी की थी, जिसके तहत ये स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए थे कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु जो है एनकाउंटर में ना की जाए जहां तक संभव हो सके। इसीलिए दोस्तों, इसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के नाम से भी कहा जाता है, यानी कि पुलिस जो है अपने ही दमों पे जो है आतंकवादी हो चाहे फिर वो दुर्दांत अपराधी हो, उसको मारने की पूरी पूरी कोशिश करती है, और जिसके तहत वो गलत कार्य कर रही होती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को मारने का अधिकार पुलिस के पास में नहीं है। पुलिस सिर्फ और सिर्फ उसे गिरफ्तार कर सकती है। तो दोस्तों, एनकाउंटर को कहीं से भी किसी भी कोर्ट ने कभी भी जस्टिफाइड नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा आजकल आम तौर पे देखने को आ रहा है कि पुलिस जो है अपराधी को पकड़ती है और उस अपराधी को पकड़ने के बाद में जो है मार गिरा देती है, जिससे कि पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हो जाती है। तो यहां पर एनकाउंटर को जो है किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं माना गया है। एनकाउंटर जो शब्द है दोस्तों, वो हमारे IPC और CRPC में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, ना ही ये शब्द जो है कहीं यूज में लिया गया है। मुठभेड़ शब्द यूज में लिया जाता है, और उसका भी सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि अगर आप किसी भी दुर्दांत अपराधी या फिर टेररिस्ट को पकड़ने जा रहे हैं और वो उस समय भागने की कोशिश करता है, तो दोस्तों पुलिस को ये अधिकार है कि वो बल प्रयोग कर सकती है। लेकिन साधारण केस में अगर पुलिस बल प्रयोग करती है तो वो किसी भी तरह से वैध नहीं ठहराया जा सकता। और इसके लिए दोस्तों, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो रिसेंट में विकास दुबे एनकाउंटर हुआ था, उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो इस बात की तस्दीक करेगी कि क्या वास्तव में ये मुठभेड़ थी या फिर इसको गलत ढंग से मार गिराया गया था। तो यहां पर दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एनकाउंटर को हमारी सुप्रीम कोर्ट या फिर हमारे देश की अन्य कोर्टों ने कभी भी जस्टिफाइड नहीं किया गया है, और ये इसको हमेशा ही गलत और अवैध माना है। तो दोस्तों, एनकाउंटर जो है वो किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये एक तरह से अपराधी के साथ में गलत व्यवहार, जिसको कह सकते हैं हम, होता है, क्योंकि अपराधी को पकड़ के उसको न्यायालय के समक्ष पेश करना जो है वो पुलिस का कार्य है, और उसको दंड देना वो न्यायालय का कार्य है, ना कि पुलिस का कार्य है। तो दोस्तों, ये था आज का एनकाउंटर के ऊपर में वीडियो। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।